देखो दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो कोर्ट कचहरी के प्रेशर से कभी नहीं चलता। ये माइंड में आप बात याद कर लेना हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर पति और पत्नी में से एक पक्ष, कोई भी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर एक सही है एक गलत मिल गया ना, तो फिर आपकी जिंदगी कोर्ट कचहरी में है ना धक्के खाते खाते निकल जाएगी और परेशान हो जाओगे आखिरी में, और एंड में जाके अकेले रह जाओगे। ये बात समझ लेना पहले से ही। क्योंकि देखो यार, प्रेशर नहीं है ना, अगर आपको कोई भी पार्टनर है झुकना है तो दोनों को झुकना पड़ेगा आगे चल के। एक पक्ष कब तक झुकेगा, पॉसिबल नहीं है ना। कि मान लीजिए कोई वाइफ है, बार बार झुकती जा रही है, और उसका हस्बैंड बिल्कुल झुक ही नहीं रहा, तो पॉसिबल ही नहीं ना। वो तो एडजस्ट करने की कैटेगरी में नहीं रहेगा वो रिश्ता, तो एंड में जाके थक के हार के वो बैठ जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई पति सही है पूरी तरह से, लेकिन पत्नी गलत निकल आती है वहाँ पे, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? पति भी थक जाएगा बार बार, पत्नी के पास तो ऐसे केस रहती है कि मायके पे रहने का, और उसके बाद में से केस कर देना, 2-5 साल 10 साल उसका कोर्ट कचहरी में खराब हो जाएगा, तो मतलब है नहीं। देखो आज के डेट में क्या होता है कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जैसे पति के घर वाले हैं तो घर वाले पति को सपोर्ट करेंगे, पत्नी घर वाले पत्नी को सपोर्ट करेंगे। अब गलती एक दूसरे की कोई निकालेगा नहीं, चाहे वो गलत है सही है उस रिश्ते में, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़के की गलती है तो लड़के के घर वाले उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़की की गलती है तो लड़की के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी चक्कर में पूरा रिश्ता पूरी तरह से खराब हो जाता है, और 5-10 साल तक आप कोर्ट कचहरियाँ लड़ लड़ा के एंड में थक के बैठ जाते हो, और आपका नुकसान भी हो जाता है। उसके बाद जब आपका रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है 1 या 2 साल, उसके बाद आप खुद को एहसास होता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी को, एहसास जरूर होता है उस रिश्ते का, लेकिन जब तक बहुत देरी हो जाती है। पहले पहले तो आप कोर्ट कचहरी की धमकी दोगे एक दूसरे को देखने की, ठीक है। उसके बाद कोर्ट कचहरी में 5-10 साल घूमोगे, 5-10 साल घूमोगे, उसके बाद बर्बादी कर लोगे अच्छी वाली, और उसके बाद म्यूचुअल में बैठोगे और बैठ के फिर एक साथ म्यूचुअल में करोगे, लेकिन उसके बाद याद रहेगा काश एक हो जाते अच्छा होता। तो देख पहले जी कहते हैं कि रहते हुए समय रहते हुए उस रिश्ते की पहले ही कदर कर लो ना भाई। आपने शादी की है रहने के लिए की है ना, आपके घर वालों के रिमोट की करने से तो किए नहीं ना, और आपके घर वालों को झुकाने के लिए कि उनको आगे रखना है ऐसा तो सोच के किए नहीं होंगे ना। आपका पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तो आप दूसरे को एक दूसरे को समझना पड़ेगा ना। कोर्ट कचहरी में क्या जाओगे आप? कोर्ट कहते साहब रख लो, इससे ज्यादा कहेगा नहीं रखो, नहीं तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पति लोग तो कह देगा साहब मुझे तो फांसी भी चढ़ा दो, मैं नहीं रखूंगा नहीं रखूंगा। आप पत्नी क्या करेगी? कोर्ट क्या करेगा साहब? जेल डाल दो साहब, जेल जाके आ जाऊंगा, क्या करोगे आपको? तो कुल मिलाकर एक बात कहने का मीन्स यही बनता है कि अगर पति पत्नी के बीच कभी अनबन भी हो रही है तो झुकना दोनों को ही पड़ेगा। एक नहीं कि एक ही पार्टी झुकती चाहिए, कोई नहीं सहन करेगा। और आज का जो कल्चर है, जो जनरेशन आज की डेट पे आ गई, वो झुकना पसंद नहीं कर रही है, पेशेंस है नहीं लोगों में आज की डेट पे, और झुकना तो हर कोई, क्यों मैं क्यों झुकूं मैं क्यों झुकूं, इसी लड़ाई के चक्कर में आज कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा फैमिली केस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा फैमिली केस आ रहे हैं। तो इस वजह से मान लीजिए कोई भी एक पक्ष अगर सही भी है, अगर एक पक्ष गलत निकल आता है तो उस सिचुएशन में वो रिश्ता गड़बड़ा जाता है, और उस रिश्ते में हमेशा या तो एडजस्ट करना पड़ेगा लाइफ जा, या तो आप झुक के रह लो। अगर आप झुक नहीं पा रहे हो और आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है झुकने की, तो भाई फिर सिंगल रह जाओ। आज तक एंड में जाके तुमको सिंगल रहना ही पड़ेगा, उससे मतलब कोई फायदा नहीं है। तो इससे बेटर है, रिश्ते की कदर जरूर होगी एक दिन, खोने के बाद तुमको रिश्ते की कदर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन उस समय पे आपके पास वो समय नहीं रहेगा जहाँ पे अभी जो समय है आपको एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को झुक के एडजस्ट करके, एक दूसरे को माफ करके साथ रहने का जो समय है ना, ये समय निकल जाएगा उस समय के बाद। तो इस वजह से कभी भी आप लोग किसी भी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो ना, तो कभी ये वाला एक ईगो मत रखिए अपने माइंड में कि मैं कोर्ट में देख लूंगा, आज आप कोर्ट देख लूंगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो कोर्ट में आज की डेट पर पता है ना कि अभी कोरोना की वजह से 3 साल से तो कोर्ट में कोई काम नहीं हुआ। 3 साल पहले पुलिस एफआईआर हुई तो आज वो एफआईआर पे पड़ी हुई है, चार्जशीट बन के भी नहीं पूछ रही कोर्ट में, तो आपको पता पड़ गया होगा। अब 3 साल में आप दोनों के इतना डिस्टेंस बन गया रिश्ते में कि आप दोनों पॉसिबल ही नहीं है कब साथ रहना कैसे। तो इस सिचुएशन में आप लोग जो रिश्ता है उसको या तो यार मैनेज करो, रखो, कोशिश एक तरफ से पूरी करके देख लो। आप एक बार कोशिश कर लो पूरी कि भाई आपका पार्टनर सुधर रहा है नहीं सुधर रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अपने आप को सिंगल कर लो। सबसे बेस्ट लाइफ है सिंगल लाइफ, कोई मतलब नहीं है झुकने में बार बार, सबसे बेस्ट है बार बार कोर्ट कचहरी में जाने में कोई मतलब नहीं है, फिर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, हासिल कुछ नहीं होने वाला कोर्ट कचहरी से, ठीक है। कोर्ट भी तो यही कहेगा आपको कि भाई रख लो, एक साथ रह लो, अच्छी बात है दोनों रह लो, एक रहना आप चाह रहा रह लो, दूसरे पक्ष को कहेगा रह लो भाई, नहीं भी रह रहे तो फिर बैठ के म्यूचुअल कर लो भाई। देखो कोर्ट क्यों नहीं चाहता ना आपको, कोई को किसी को सजा नहीं देना चाहता, किसी पे इतना हार्ड सजा सोचते हो कि आप लोग उसको सजा करा दोगे ये कर दोगे, नहीं कर पाएगा कोर्ट भी। पारिवारिक मामला समझता है, हस्बैंड वाइफ का मामला है, पुलिस वाले तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, कभी भी चले जाओ नहीं करेंगे, कहूँ जाओ कोर्ट में चले जाओ भैया, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, आप कोर्ट चले जाओगे, कोर्ट में टाइम मिलेगा आपको, कितना टाइम लगेगा,
काफी टाइम 5-5 साल 10-10 साल आपकी खराब हो जाएगी। क्या मतलब उस चीज, जो फैसला आप खुद कर सकते हो उस फैसले के लिए आप कोर्ट कचहरी जा रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब आपके पास लास्ट ऑप्शन कोर्ट ही हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका फाइनल भी ये भी हो जाता है कि रहने वाले हो नहीं, पॉसिबल ये है नहीं। देखो झुकने वाला होता है वो झुक जाता है पहले ही, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। सपोर्टिंग के घरवालों का भी यही होता है, अहम रोल इनके घरवालों का आ जाता है कि साहब बेटा गलत हो तो उसी को सपोर्ट करने का, उसको ये नहीं कहेंगे बेटा तेरी ये गलती है, बेटी गलत हो तो उसको ये नहीं कहेंगे भाई तेरी ये गलती है, कोई मतलब है नहीं रिश्तों में। तो मैक्सिमम दिक्कत यहीं आती है कि कोई एक दूसरे की गलती एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा, कोई एक दूसरे को धमकी देना चाहता है, थोड़ा सा पैसों का जोर रहता है, एक पक्ष पार्टी अच्छी पैसे वाली तो वो यही धमकी देगी साहब मैं तो पैसे वाला, कोर्ट में देख लूंगा जो भी है, मेरे पास तो एविडेंस है वगैरह चीजें। अबे यार तुम लोग पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे का एविडेंस बनाने के लिए आए हो क्या, या एक दूसरे से केस लड़ने के लिए आए हो? रहना तो साथ रहिए ना, नहीं रहना तो फिर बर्बादी में कोई मतलब है नहीं। तो इस चीज़ से कोई मेंस बनता है नहीं है अगर आप एक दूसरा पक्ष पार्टी में, तो कुल मिलाकर एक बात यही कहना है कि अगर एक पक्ष गलत निकल गया और एक पक्ष सही है तो भी वो रिश्ता पॉसिबल नहीं कि आगे चलकर वो सही हो जाए। तो आई होप एक मैसेज छोड़ना था इसमें, आपको मैसेज मिल गया होगा और समझ में भी आ गया।